पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर घटना है माननीय सभापति महोदय, एक व्यक्ति को दलित टीचर को तलवारों से काट के मार दिया गया और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, परिवार को नौकरी नहीं। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बिराजिए। अरे मैंने दो लोगों से बुलवा दिया, संज्ञान में आ गया। आप तो बोलो, आप बोलो बलिया, हाँ बोलो माननीय सभापति महोदय। तो बोलो ना, ये चलता रहेगा। अब बोलो, हनुमानगढ़ जिला नाम लूंगा। बाहर सदन उधर जाइए, वेल में नहीं। माननीय महोदय, हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और खरीफ के मौसम में स्थानीय स्तर पर बोए जाने वाली मुख्य फसलें ज्वार, कॉटन, धान, बाजरा, मूंग और मूंगफली इत्यादि है। गत वर्ष फिर आगे से इस स्थगन में सुंडी के प्रकोप से के कारण स्थानीय किसानों को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा था। किसान कर्जे से उबर नहीं पाए हैं और बैंकों के लोन और आड़तियों के कर्ज भरने में असमर्थ हैं। इस बार कॉटन का बुआई क्षेत्रफल गत वर्ष के लगभग 2,06,000 हेक्टेयर से घटकर 1,07,000 हेक्टेयर यानी लगभग 47% कम हुआ है। अनुमति नहीं थी कॉटन के विकल्प के रूप में, नहीं दूंगा। स्थानीय किसानों द्वारा मूंग, धान, बाजरा, मूंगफली की फसल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बार मूंगफली का बुआई क्षेत्रफल गत वर्ष के लगभग 11,500 हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 22,200 हेक्टेयर यानी लगभग 93% अधिक हुआ है। गत वर्ष हनुमानगढ़ जिला में केवल मात्र एक औसत तहसील में मूंगफली की खरीद केंद्र बनाया गया था। हनुमानगढ़ जिला के किसानों की मूंगफली की बुआई को देख सुअवसर आपके माध्यम से उसके लिए संचालित जिला अस्पताल संचालित है, जिसमें 25 चिकित्सकों के